भारत के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच चंचल भट्टाचार्य का मानना है कि ये दिग्गज खिलाड़ी 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पूरी काबिलियत रखता है। चंचल ने शुक्रवार को धोनी के 36वें जन्मदिन पर ये बात कही। इस दौरान चंचल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के चौथे वनडे में धोनी द्वारा खेली गई सबसे धीमी पारी के बारे में भी बात की। चंचल ने कहा, धोनी अभी भी सबसे फिट खिलाड़ी हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि सही समय पर संन्यास ले लेंगे, किसी को उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि उन्होंने कप्तानी के समय किया था और इसी तरह अचानक से टेस्ट से संन्यास ले लिया था। धोनी में अभी भी इतनी काबिलियत है कि वो 2019 का वर्ल्ड कप खेल सकें। आपको बता दें कि भारत ने गुरुवार को वेस्टइंडीज को 8 विकेट से मात देते हुए 5 मैचों की सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। सीरीज के चौथे वनडे में भारत को हार मिली थी और इस मैच में धोनी ने अपने करियर की सबसे धीमी पारी खेली थी। उन्होंने इस मैच में 114 गेंदों में महज 54 रन बनाए थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।